नमस्कार, मैं संजय अग्रवाल, आज हम इंडियन हैबिटेट सेंटर पे हैं। हमारे साथ पुणे से आए हुए आर्टिस्ट संजय पुनेकर हैं। उनकी पेंटिंग्स अभी हम लोगों ने देखी हैं, उनसे जानना चाहेंगे थोड़ा पेंटिंग्स के बारे में। ये जो पीछे पिक्चर है इसमें बुद्धा जी दिखाई दे रहे हैं। संजय ने बताया है कि इसमें कुछ पीस ऑफ माइंड का ये दिखाना चाह रहे हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। संजय जी, जो पेंटिंग है उसमें पीस ऑफ माइंड टाइटल है उसका। तो हम जो भी लाइफ में जो भी चीज़ें करते हैं तो उसको हम सोचते हैं कि इसके बाद हमें पीस मिलेगा, ये करने के बाद दूसरा ये मिलेगा, लेकिन हम वो सर्च ही कर रहे हैं। तो वो सर्च दिखाया है कि हम अपने पीस ऑफ माइंड को ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे ये बर्ड उड़ रहे हैं तो हम वो सर्चिंग दिखाई है, वो ड्रीम एज ए ड्रीम की तरह वो दिखाया हुआ। ओके, एक्सेलेंट। हम लोग दूसरी पेंटिंग आपकी फोकस कर रहे हैं, इसमें आप क्या पोर्ट्रे कर रहे हैं? ये नेचर से रिलेटेड फॉर्म्स है सारे, राइट? तो नेचर से जैसे हम लोग टॉप एंगल से देखते थे, हम जो जब एरियल व्यू देख रहे हैं आप, राइट? नॉर्मली मेरे जो भी पेंटिंग है वो सारे नेचर से रिलेटेड होते हैं। नेचर से, नेचर को लोगों ने ज्यादा प्यार करना चाहिए, उसको टोपोग्राफी आप दिखाना चाह रहे हैं, लैंडस्केप। हम लोग उस साइड में चले, संजय जी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आपने वाइल्ड लाइफ से इंस्पायर हुए हैं और इसमें आप दो हिरन दिखा रहे हैं, इसमें आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड दिखा रहे हैं आप इसमें, और इसके कलर काफी पेस्टल कलर बोलेंगे इसको, इसको एक्रिलिक कलर बोलेंगे, एक्रिलिक कलर बोलेंगे आप, कलर होते हैं, राइट? और इसमें आपने डॉटेड हिरन दिखाया है जो, यस, मोस्टली वो गोल्डन डॉट है, गोल्डन डॉट से, गोल्डन डॉट है, ओके, सुनहरी हिरन। अच्छा सर, इधर आइएगा संजय जी। ये पेंटिंग हम लोग देख रहे हैं, ये एक सीरीज ऑफ पेंटिंग है, इसमें आप क्या डिपिक्ट करना चाह रहे हैं? ब्यूटी ऑफ यूनिवर्स दिखा रहे हैं, सृष्टि का समष्टीकरण, राइट? ओ एक्सेलेंट, मोरपंखी हम लोग आपके बोलने पे नजर आई। ये यहाँ पे राधा है और ये कृष्ण भगवान है, ओके। और ये जो मिराज, जो इसको जो खुशबू होती है डियर की, डियर की जो खुशबू वो ढूंढ रहे होते हैं, हम लोग कस्तूरी बोलते हैं, कस्तूरी बोलते हैं, ठीक है? तो वो ढूंढ रहे, उसको खुद को भी नहीं पता चल रहा है कि वो कहाँ है, कहाँ पे है, तो वो दिखाया है कृष्णा जो है, ये नेचर के सारे फॉर्म्स है। एक्सेलेंट, वो चंद्र भगवान होंगे, इंडियन मिथोलॉजी में एक हम लोग देख रहे हैं, विघ्नकर्ता गणेश जी को आपने दिखाया है, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है, राइट? इसमें आपने दिखाया गणेश जी माला पहन के बैठे हुए हैं, वो तो छाप में है, ध्यान लगा के बैठे हुए हैं। धन्यवाद संजय जी, हम आशा करते हैं कि आपकी पेंटिंग दर्शकों तक पहुंच पाए और इसकी बिक्री हो। धन्यवाद। अगरवाल, टुडे आई एम एट दी हैबिटेट सेंटर और यहाँ हमारे साथ पुणे से आए हुए आप संजय पुनेकर हैं, जिनके हम लोग कलाकृतियाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, जो पीछे देख रहे हैं जो पेंटिंग्स हैं। संजय पुनेकर से कहना चाहेंगे कि आपकी ये जीवन में कब यात्रा ने कब स्टार्ट किया, आप पेंटिंग में कब आए? मैं 2004 में मेरा कम्प्लीट हो गया था। तो क्या है, 2003-04 में मेरा सी ए पी पूरा हुआ, उसके बाद मैं फिलहाल 2004 से 2010 तक, अब तब से मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो आपकी एग्जीबिशन है ये वाली, ये आपकी सोलो एग्जीबिशन है, ये ग्रुप ग्रुप है, और आपने वो थी दिल्ली में, मैंने यहाँ पे कम से कम 10-12 शो किए, ग्रुप शो, सोलो शो, विजुअल आर्ट गैलरी में, फैमिली आर्ट गैलरी में, कॉफी में। अच्छा, और ये आपकी जो पेंटिंग हम लोग देख रहे हैं, दिस इज अवेलेबल फॉर सेल, ये सो अभी जैसे हम देख रहे हैं पीछे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे जानकारी दी, ये मुद्दा है डिफरेंट फॉर्म, ये जैसे इनका भी जो पीस ऑफ माइंड है, इसका जो थॉट है कि पीस ऑफ माइंड, जो हम अपनी लाइफ को बेटर और बेटर करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ नहीं वहाँ नहीं, इसके बाद मुझे पीस मिलेगा, इसके बाद मुझे पीस मिलेगा, तो जो वो ये वो सर्च है उसका, कि हम सर्च कर रहे हैं वो हमें ये जो पीस दिखाया है लेकिन और लेकिन, तो वो हम सर्च कर रहे हैं कि वो पीस को मिले, और इसीलिए बुद्धा तो सामने देख रहे हैं बैक साइड में ओके। तो ये मतलब आप दिखा रहे हैं कि वन पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड, फाइन जो
स्मोक शीट रफ ठीक है। ये पेंटिंग आपने कब बनाई? कौन से ईयर है 2018 तो हम लोग दर्शकों के लिए जो व्यूअर हैं उनके लिए उत्सुक रहेंगे कि इसकी क्या कीमत आपने लगाई है। अगर कोई आपको बायर कोई आर्ट लवर कोई होते हैं तो क्या कीमत इसकी हम लोग समझ सकते हैं? 2 lakh rupees Thank you.